शायद कभी न कह सकूं बिना समझ लो तुम शायद। सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज को और एक नए वीडियो लेके, ठीक है, आपने प्रीव्यू में देखा है जिस तरीके से उस तरीके से मैं वीडियो बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, एक है एलर्ट मोशन ऐप, एक नोट वीडियो, ठीक है। तो एलर्ट मोशन ऐप का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, उधर से आप डाउनलोड कर लेना। और नोट वीडियो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, बिना कोई स्किप करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एलर्ट मोशन ऐप ओपन करना है, ठीक है। एलर्ट मोशन ऐप ओपन करने को आपको सिंपल से नीचे की तरफ प्लस ब्लू ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। इधर आपको 9:60 का एक रेशियो सिलेक्ट कलर है एंड बैकग्राउंड आपको ब्लैक रखना है, ठीक है। देन क्रिएट प्रोजेक्ट के आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। देन आपको सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जो सॉन्ग ऐड करना है, ठीक है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए प्लस ब्लू ऑप्शन पर जाना है, ऑडियो पर जाना है, जिधर आपका सॉन्ग है उधर से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आपको सिंपल से करना क्या होगा, आपको ये भी पिक्चर ऐड करना है, ठीक है। तो प्लस ब्लू ऑप्शन पर जाना है, मीडिया पे जाना है। इधर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 या 4 पिक्चर का लिंक दे दूंगा, आप कोई भी एक पिक्चर आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला पिक्चर ऐड कर लूँगा। देन आप करना क्या होगा, मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है। एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है जूम करके, इसके ऊपर सिंपल से जूम करके आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो, ठीक है। देन आपको इस टाइप से मिडिल बराबर आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। देन एडजस्ट होने के बाद आपको सिंपल सा बैक चलाना है। एंड आपको क्या करना है, क्योंकि आपको सॉन्ग के लास्ट तक आना है एंड पिक्चर के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इस टाइप से आपको पिक्चर को लास्ट तक ले आना है, ठीक है। अभी आपको पहले आना है। देन हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, इस पिक्चर के ऊपर आपको एक इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको पिक्चर के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है, ठीक है। एंड कलर एंड लाइट पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। देन इधर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा हुआ शिफ्ट करके, ये वाला आपको सिंपल सा क्लिक करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में ये ऐड कर लेना है, ठीक है। देन अभी आपको करना क्या होगा, जो पिक्चर है पिक्चर के पहले आपको एक बीट मार्क इस टाइप से लगा देना है। एंड आपको पीछे के लास्ट तक आपको आना है एंड और एक बीट मार्क आपको लगा देना है। देन आपको करना क्या कि इसका जो वैल्यू है आपको इस टाइप से बढ़ा लेना है एंड 2x तक कर लेना है, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं मेरा 2x तक हो गया है, ठीक है। 2x तक हो जाने का आपको सिंपल सा बैक चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो पिक्चर है इसका कलर कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। देन अभी आपको पिक्चर को आपको कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लाभ लिखूंगा, आप कुछ अलग भी लिख सकते हो। तो लिखने के लिए आपको प्लस ब्लू ऑप्शन पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। एंड इधर आपको लिखना है, तो मैं लाभ लिख देता हूँ। देन लिख हो जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ कॉर्नर के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड टेक्स्ट को बीचों बीच ले आना है। देन अभी आपको रोबोट एंड रेगुलेटर पर आपको क्लिक करना है। इधर आपको एक फॉन्ट मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एय ऑफ द ब्यूटी करके, ठीक है। इसको आपको सिंपल से ऐड कर लेना है। देन इसका जो साइज है ये आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। इस टाइप से आपको बढ़ा लेना, देन आपको बढ़ा के 80 तक कर लेना है, ठीक है। ठीक है, 80 तक आपको कर लेना है। एंड इसका जो कलर है ये आपको करना है व्हाइट कर लेना है। देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन अभी आपको मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है, आपको इस टाइप से इधर आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। देन इधर ऐड हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, बैक चलाना है। अभी आपको करना क्या होगा, प्लस वाला ऑप्शन पे जाना है एंड टेक्स्ट पे और एक बार क्लिक करना है। इधर आपको इमोजी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इधर आप कोई भी 3 इमोजी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ए वाला 3 इमोजी मैं ऐड करूँगा। देन अभी आपको करना क्या होगा, ऊपर की तरफ 3 डॉट पे क्लिक करके आपको कॉर्नर पे क्लिक करके बीचों बीच ले आना है। रोबोट एंड रेगुलेटर पे आपको जाना है एंड एव द इधर आपको कोई भी एक फ्रंट इधर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको इधर से साइज है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड इसका जो साइज है आप बढ़ा लेना, ठीक है। तो मैं 28 रख देता हूँ या 24 रख देता हूँ। देन इसका जो कलर है कलर के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आपको सिंपल से क्लिक करके इसको इस स्टेप से नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको जो इमोजी आपको ऑरिजिनल कलर पर आ जाएगा। देन अभी आपको करना क्या होगा, मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है। इसको आपको जो टेक्स्ट है इसके नीचे इस स्टेप से आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एडजस्ट हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको एंड पे आना है एंड जो इस दोनों लेयर को आपको इस स्टेप से सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन आप कॉर्नर पे जो ऑप्शन है इसको सिंपल से क्लिक करके लास्ट तक आपको ले आना है दोनों लाइन का। देन अभी आपको करना है कि और एक वीडियो का पार्टिकल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको इधर ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आपको प्लस ब्लू ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पे जाना है एंड वो पार्टिकल जिधर आपको है उधर से आपको ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं ए वाला ऐड कर लेता हूँ। ऐड होने के बाद आपको सिंपल से इसके लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी में जाना है एंड सेकंड वाला ऑप्शन लाइट एंड के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। देन आपको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। जैसे स्क्रीन करोगे आपको बैक चलाना है एंड मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है एंड इसको आपको जूम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इस टाइप से कुछ छोटा कर लेना है, ठीक है। तो मैं इतना छोटा कर लेता हूँ। देन अभी आपको करना क्या होगा, तो फास्ट वाला ऑप्शन इसके ऊपर आपको आना है एंड आपको इस टाइप से कुछ एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। देन आपको
लास्ट पे चले आना, जितना आपका स्टेटस है उतना तक आने के बाद आपको करना क्या होगा, बाकी का जो पार्ट है, ठीक है, बाकी का जो पार्ट है आपको इस स्टेप से काट देना है, ठीक है, इस स्टेप से देना। फिर आपको करना क्या होगा, पहले आना है, अभी आपको करना क्या होगा, इधर का जो काम है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। देन आपको करना क्या होगा, ऊपर की तरफ शेयर वाला ऑप्शन को आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड ये वीडियो आपको सिंपल से एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो एलर्ट मोशन में वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको सिंपल से नोट वीडियो ओपन कर लेना है, ठीक है। देन आपको करना क्या होगा, न्यू पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे न्यू पे आप क्लिक करोगे, आपको इधर ऊपर की तरफ जो रेशियो है इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है। इधर आपको 9:60 का रेशियो सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। आप FPS के ऊपर सिलेक्ट करके इधर आपको आप 60 भी कर सकते हो, आपको हिसाब से कर लेना, ठीक है। जिन भी आपको करना क्या होगा, जो प्लस वाला ऑप्शन है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड मीडिया पर जाना है एंड वीडियो पर जाके जो वीडियो आपने अभी सेव किया है एलर्ट मोशन ऐप से वो वीडियो अभी इधर आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। ऐड हो जाने के बाद आपको सिंपल सा एक छोटा काम कर लेना, जो प्लस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है। देन इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसेट स्टोर करके, इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे क्लिक करोगे आपके नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक रेन ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो ब्लर वाला ऑप्शन है सेकंड वाला, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड इसको मिटा के आपको जीरो कर लेना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन इसका जो डिस्टोरेशन है इसको आपको बढ़ा भी सकते, इस टाइप से बढ़ा भी सकते, कम भी सकते, ठीक है। तो मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा, तो मैं इतना रख देता हूँ, ठीक है। देन आपको करना क्या होगा, जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर है ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आपको कौन सा अच्छा लगे, फर्स्ट वाला रख देना एंड सेकंड वाला रखना एंड थर्ड वाला ऑफ कर देना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको वीडियो रेडी हो जाएगा। देन अभी आपको करना क्या, जो रूट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। देन एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको जो नीचे की तरफ जो ग्रीन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है एंड इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।